हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर यानी ऐप को डायरेक्टली एसडी कार्ड में डाल सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, क्रोम, मैसेंजर, ये सब को कैसे डायरेक्टली एसडी कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सोनू राव और आप देख रहे हैं ऑल वीडियोज़ टेक्निकल से भी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अपने फाइल एक्सप्लोर में जा रहा हूं और यहां जाने के बाद मेरे मतलब कि एसडी कार्ड में जितना भी ऐप सेव है वो 17 दिखाई दे रहा है यहाँ पर एपीके। तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं तेरे संग यारा जो शायरी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो चुका है और यहाँ से पेटीएम को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर हमने डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, कहीं भी नहीं है, दिख रहा है वो वाला सॉफ्टवेयर। तो सिंपली हम फिर से बैक जाएंगे होम स्क्रीन पर और क्लिक कर और प्ले स्टोर में सिंपली क्लिक करेंगे। दोस्तों, प्ले स्टोर खुल चुका है और सर्च बार बॉक्स में हमको सर्च करना है। कैपिटल लेटर में ही टाइप कीजिएगा एपीके एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है एपीके एक्सपोर्ट बैकअप शेयर। सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है इसका। देखिए 4.6 का भी रेट है, उसके बाद में 1000 डाउनलोडर भी हैं इसके। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर का मैं कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। कभी ऐसा होता है कि आपके डाटा नहीं रहता है और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, तो उस समय क्या होता है कि आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे हम लें। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप चाहिएगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप को अपने एसडी कार्ड में सेव करके रखिएगा ताकि अनइंस्टॉल होने के बाद भी आप इसको इंस्टॉल करके अपना काम कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर जितना भी मोबाइल में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होंगे वो सभी यहाँ पे शो अप होने लगेंगे। तो हमने तेरे संग यारा को डिलीट किए थे, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और शेयर के बगल में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सेव हो गया। और दोस्तों, पेटीएम को भी डिलीट किए थे हम लोग। पेटीएम पर भी क्लिक कर फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर सेव हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।